नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आसानी नहीं आपसे पूरी उम्मीद, आप घर पर रह कर के अपने यूपी पुलिस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो में लेकर के आए हूँ यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाने वाले चैप्टर है आज हमारा बिलोम सब, इससे बनने वाले हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ, जो यूपी पुलिस और जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने तिमिर शब्द का विलोम है, तो तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तो तिमिर का विलोम शब्द हो जाएगा आपका आलोक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अथ का विलोम है, तो अथ का विलोम शब्द क्या है? तो अथ का आपका विलोम शब्द हो जाएगा आपका इति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कृतज्ञ का विलोम है, तो कृतज्ञ का विलोम क्या हो? कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो अभिज्ञ का विलोम शब्द आपका हो जाएगा अज्ञ, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यथार्थ का विलोम है, तो यथार्थ का विलोम शब्द किया है? तो यथार्थ का आपका विलोम शब्द हो जाएगा आदर्श, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सापेक्ष का विलोम शब्द है, तो सापेक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा आपका निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संकीर्ण का विलोम है, तो संकीर्ण का विलोम शब्द क्या हो? तो इसका विलोम शब्द आपका हो जाएगा विस्तीर्ण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विग्रह का विलोम है, तो विग्रह का विलोम किया है? तो विग्रह का आपका विलोम हो जाएगा संधि, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साधु का विलोम शब्द है, तो साधु का विलोम शब्द हो जाएगा आपका असाधु, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुरक्ति का विलोम है, तो अनुरक्ति का आपका विलोम शब्द हो जाएगा विरक्ति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटि पूर्वक है, यानी कौन सा शब्द है वो गलत है? तो आप एक अपेक्षा अपेक्षा सही है, अग्रज अनुसी सही, आदान प्रदान सही है। तो ये उन्नत अवनत ये शब्द है वो गलत है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म पहचानी, तो कौन सा वो युग्म है वो सही है? तो देख लीजिएगा आप कौन सा युग्म सही है, तो असुईया का अनुसुईया होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, तो कौन सा शब्द है वो सही है? तो इसमें वक्र का ऋजु, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्तक का सही विलोम है, तो आवर्तक का सही विलोम क्या है? तो इसका सही विलोम है अनावर्तक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरायण का विलोम है, तो उत्तरायण का विलोम शब्द हो जाएगा आपका दक्षिणायन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्तंभ के लिए सही विलोम है, तो स्तंभ के लिए सही विलोम क्या होगा? तो इसके लिए सही विलोम हो जाएगा आपका अस्तंभ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निश्चित के लिए सही विलोम है, तो निश्चित के लिए सही विलोम हो जाएगा विहित, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बादी का विलोम शब्द है, तो बादी का विलोम शब्द क्या होगा? तो बादी का आपका विलोम शब्द हो जाएगा आपका प्रतिवादी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आहूत का विलोम शब्द है, तो आहूत का विलोम शब्द क्या है? तो आहूत का विलोम शब्द है अनाहूत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जटिल का विलोम शब्द है, तो जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा सरल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवर का विलोम शब्द है, तो अवर का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रवर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने विलोम की दृष्टि से योग युग्म अशुद्ध यानी कौन सा गलत है? प्रत्यक्ष परो दृश्य अदृश्य आमिष सामिष आयात निर्यात, तो इसमें कौन सा गलत है? तो इसमें गलत है आपका आमिष का, निरामिष होता सामिष नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अथ का विलोम शब्द है, तो अथ का विलोम शब्द क्या होता? तो अथ का विलोम शब्द हो जाता इति, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्मुखी का विलोम लिखिए, तो अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होता है? तो अंतर्मुखी का विलोम शब्द होता है बहिर्मुखी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकाश शब्द का विलोम है, तो आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इसका विलोम शब्द है आपका पाताल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए, तो
तो उत्कर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अपकर्ष, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजा शब्द का विलोम शब्द लिखिए, तो राजा का विलोम शब्द होता है आपका रंक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सगुण शब्द का विलोम लिखिए, तो सगुण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो सगुण शब्द का आपका विलोम शब्द हो जाएगा आपका निर्गुण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है, तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सगुण का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका सगुण, सकुन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें त्रुटिपूर्ण कौन सा ये आपको बताना है, जड़, चेतन, आकर्षण, विकर्षण, अनंत, शांत, अनुग्रह, आग्रह, तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है, तो इसमें गलत हो जाएगा आपका अनुग्रह का विग्रह होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्वक यानी कौन सा गलत है, तो बताइएगा, आम इसका निरामिस होता है, सामिस नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्वक है, तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है, तो आहार का अनाहार होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋजु शब्द का विलोम है, तो ऋजु शब्द का विलोम शब्द होता है वक्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकलन शब्द का विलोम है, तो आकलन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा विकल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुग्रह शब्द का विलोम है, तो अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका विलोम शब्द आपका हो जाएगा विग्रह, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुण शब्द का विलोम है, तो गुण शब्द का विलोम किया जाएगा, तो गुण शब्द का आपका विलोम हो जाएगा दोष, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अपने नेट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद प्यारे साथियों।